अस्सलाम वालेकुम, सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पिवट टेबल में कैलकुलेट फील्ड को ऐड करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो कैलकुलेट फील्ड को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स रिपोर्ट का डेटा है, जिसमें डेट, प्रोडक्ट, कंट्री, क्वान्टिटी, रेट, अमाउंट दिया गया है। सबसे पहले हम एक पिवट टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट फील्ड को ऐड करवाएंगे फॉर कैलकुलेशन। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप इंसर्ट पर आ जाइए, यहाँ पिवट टेबल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें नई शीट पर पिवट टेबल बनाना है। ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आपके पास पिवट टेबल के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ हम कंट्रीज को रो वाइज ले लेते हैं और अमाउंट को वैल्यूज में ले लेते हैं, तो ये सम कर अमाउंट ले आएगा। तो आप देख रहे हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि फ्रांस में 61,000 की सेल हुई, जर्मनी में 91,000 की सेल्स हुई। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ हो सकती है जिसमें आपको डिफरेंट सेल्स हुई है। तो मान लीजिए कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके डिफरेंट सेल एजेंट बैठे हुए हैं और हम सेल एजेंट को 2% कमीशन देते हैं, तो हमें यहाँ जो है ये भी शो करवाना है कि हमने कमीशन कितना दिया। तो इसके लिए हम कैलकुलेट फील्ड का यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल में। तो आइए कर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप आ जाइए, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा कैलकुलेशन में, ये एनालाइज में आपको ऑप्शन मिलेगा। पिवट टेबल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे, जिसमें एनालाइज पे आप आना है और कैलकुलेशंस पर आना है। यहाँ से आप कैलकुलेट फील्ड ऐड करवा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ कैलकुलेट फील्ड का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फील्ड का नाम सबसे पहले आप टाइप कर दीजिए। मैं फॉर एग्जाम्पल कमीशन टाइप कर देता हूँ। कमीशन मैंने टाइप कर दिया, हमने क्या कैलकुलेट करवाना है, अमाउंट को डबल क्लिक कर दीजिए तो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है अमाउंट को, तो मैंने स्टेरिक टाइप किया, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दे 2% से, 2% से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि एक नई फील्ड एड हो गई जो कि कमीशन की है, क्योंकि फ्रांस में जो सेल हुई है 61,000 की, इसमें अगर सेल एजेंट का 2% कमीशन है तो उसने उस कमीशन को कैलकुलेट कर दिया। फ्रांस में हमें इतना कमीशन देना पड़ेगा और जर्मनी में हमें 1820 कमीशन देना पड़ेगा, यूके में 3040 और यूएसए में 1240। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट फील्ड को ऐड करवा दिया और इसने टोटल कमीशन भी लिया है कि टोटल कमीशन कितना देना पड़ेगा। तो कितनी आसान तरीके से हमने एक नई फील्ड का ऐड करवा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये फील्ड नहीं चाहिए, आप सिंपल यहाँ से ये चेक हटा दे तो ये फील्ड हट जाएगी, और जैसे ही चेक लगाएंगे तो ये फील्ड आ जाएगी। तो इस तरह हम कोई भी कैलकुलेशन पिवट टेबल में एडिशनल जो कैलकुलेशन है वो करवाना हो तो इसके लिए हम कैलकुलेशंस के ऑप्शन को यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।